हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लेफ्ट ओवर वूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास तीन ये जो है बची हुई वूल है, अलग अलग प्रोजेक्ट से बची हुई है। तो इन तीन वूल का इस्तेमाल जो है हम बहुत ही सुंदर पैटर्न को बनाने के लिए करेंगे। और जो वूल आपके पास सबसे ज़्यादा बच जाती है तो उससे जो है हम बॉर्डर बनाएंगे, और इन तीनों कलर का इस्तेमाल जो है पैटर्न में करेंगे। तो आज का पैटर्न जो है उसे आप एक कलर में भी बना सकते हैं, दो कलर में भी बना सकते हैं, तीन कलर में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। और आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारी वूल बची है। आपके पास अगर दो वूल बची हुई है तो दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो पैटर्न है वो 8 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है, और जितने भी आपने इसमें कलर लगाने हो, सिर्फ कलर का हिसाब अलग रहेगा, बाकी ये 8 रोज़ का ही पैटर्न रहेगा। तो 8 रोज़ को ही रिपीट करते जाएंगे, और फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। रो 1 हमारी फ्रंट साइड पे आएगी और लास्ट 8th रो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने जो है बॉर्डर थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है अपने प्राइमरी कलर से ये मैंने। तो अब जब हम जिस कलर से बॉर्डर बनाएंगे उसी कलर से हम रो 1 और रो 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कलर ये बांध लिए हैं। आप ऐसे भी इकट्ठा बांध सकते हैं, या जब जब आपको जो वूल इंट्रोड्यूस करनी है जिस सिलाई पे, उस पे आप इसे बांध लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको बता देती हूँ इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे किस हिसाब से लेने हैं। फंदे जो है हमने 6 के मल्टीपल में लेने हैं, 6+6+ इस तरह से, और लास्ट में 3 फंदे और बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 6 के मल्टीपल में 18 फंदे बनाए हैं और उसके बाद जो है 3 फंदे और बनाए हैं। तो टोटल 21 है, ये 21 स्टिचेस पे जो है मैं ये बनाने जा रही हूँ। तो जो हमारा प्राइमरी कलर है बॉर्डर वाला कलर, उससे हम रो 1 और रो 2 बनाएंगे। तो रो 1 सारे के सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 1 पे आपने वो वाला वूल लगाना है जिससे आपने बॉर्डर बनाया है। तो ये रो 1 हमने इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेनी है सीधे बुनते हुए। तो रो 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बनाते हैं रो 2। तो रो 2 बनाने के लिए देखिए, पहला फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, इसे आप सीधा भी बना सकते हैं। और इसके बाद सारे के सारे फंदे हमने रो 1 की तरह ही बनाने हैं सीधे सीधे। तो रो 1 और रो 2 हमारी सीधी सीधी बनेगी। तो ये रो 2 भी हम इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेते हैं सीधे बुनते हुए। तो दो सिलाइयां हमने कंप्लीट कर ली हैं, और अब आते हैं थर्ड रो पे। तो अब हर दो दो सिलाइयों के बाद जो है हम कलर को चेंज करेंगे, और किस तरह से करेंगे वो आप देखेंगे। तो अब देखिए, आपने अब जो है दूसरा कलर जो लगाना है वो लगाइए। मान लीजिए मैं यहाँ पे अब जो है येलो कलर लगाना है मुझे, तो मैं अब येलो कलर ले लूँगी। और अब देखिए, अब मैं पहला फंदा जो है रो 3 पे देखिए कैसे करना है, जो हमारा एच स्टिच है उसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो जब भी कलर हम चेंज करते हैं तो हम एज स्टिच को बुन लिया करते हैं दूसरे कलर से। तो ये रो 3 पे जो है पहला फंदा हमने जो है दूसरे कलर से जो है वो सीधा बुन लिया है। और अब देखिए, अब आगे आपने 6 फंदों के डिज़ाइन को नोटिस करना है किस तरह से बनाना है। तो 6 में से पहला फंदा जो है वो हम करेंगे स्लिप, और उसके बाद 5 फंदों को हम देखिए इस तरह से बुनेंगे, धागे को डबल लपेटेंगे सिलाई पर और इस तरह से सीधा बुनते हुए। तो जैसे ये किया है 4 बार और करेंगे, टोटल 5 बार करेंगे, एक फंदा स्लिप और 5 फंदों को इस तरह से धागे को डबल लपेट के सीधा बुनेंगे। तो ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं, यहाँ से यहाँ एस स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ। तो ये 6 फंदे हमने रिपीट करने हैं पूरी रो 3 पे। तो यहाँ पे हम 2 बार करेंगे और एक बार स्लिप करेंगे, ये पहला फंदा स्लिप और 5 फंदे इस तरह से धागे को डबल लपेट के। बहुत ही आसान डिजाइन है, बहुत ही जल्दी जल्दी ये बन जाता है। ये इस तरह से, तो एक और बार कर लेते हैं, एक फंदा स्लिप और 5 फंदे
धागे को सिलाई पर डबल लपेट के सीधे बुनते हुए। इस तरह से तो लास्ट में जो है हमारे पास दो फंदे रह जाते हैं। दो फंदे रह जाते हैं, उसमें से एक जो है हम स्लिप कर लेंगे और लास्ट वाले को हमने एज स्टिच को सीधा बुन लेना है ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से शुरू में और लास्ट में ऐसे रहेगा। तो अब आते हैं रो फोर रॉन्ग साइड पे। अब देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा और दूसरा फंदा हम कर लेंगे स्लिप। दो फंदे हमने स्लिप कर लिए शुरू किए। अब ये जो पांच फंदे हैं इन्हें हम एक एक करके इस तरह से खोलेंगे, इन्हें वापस इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे और ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, इन्हें पांचों को साथ में उल्टा बुनना है और अभी छोड़ेंगे नहीं। इन्हें देखिए किस तरह से पांच के पांच फंदे हमने बनाने हैं। तो एक जाली डालेंगे ऐसे, दूसरी बार उल्टा बुनेंगे, दूसरी बार जाली डालेंगे और तीसरी बार उल्टा बुनेंगे ऐसे इकट्ठा। तो ये जो है ये हमने पांच के पांच फंदे इस तरह से बना लेने हैं। तो अब ये जो छह फंदे हैं ये जैसे बने हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे रो फोर पे। पहला फंदा स्लिप और पांच फंदे खोलेंगे और पांचों को हमने इस तरह से साथ में बुनना है कि पांच के पांच फंदे हमें वापस मिलेंगे। एक बार उल्टा बुनेंगे फिर जाली, फिर एक बार दूसरी बार उल्टा बुनेंगे फिर दूसरी जाली, फिर तीसरी बार उल्टा बुनेंगे तो इस तरह से हमारे पांच के पांच फंदे हमें मिल जाएंगे। तो एक और बार कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से तो लास्ट सेकंड लास्ट देखिए हमने इसे स्लिप करना है और लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुन लेना है ऐसे। तो ये रो फोर हम ऐसे बनाते जाएंगे। और अब देखिए दो सिलाइयां बन गई हैं और उसके बाद हमने जो प्राइमरी कलर है जिसे हमने बॉर्डर बनाया था उसी को हमने जिससे रो वन और रो टू बनाई थी उसी को दोबारा से लगाएंगे। तो अब देखिए पहले फंदे के साथ हमने सारे के सारे फंदे सीधे सीधे बुनने जैसे रो वन पे किए थे। तो ये जो फंदे हैं ये एक एक करके हमने ऐसे सीधे सीधे बुन लेने हैं ये इस तरह से। तो ये सारी रो जो है हमने इस तरह से सीधे सीधे बुननी है और ये फंदे जो है एक एक करके सीधे सीधे बुनने हैं और उसके बाद रो टू को हमने रिपीट करना है। तो रो जो ये हमारी फिफ्थ रो है, फिफ्थ और सिक्स्थ रो हम इस तरह से बनाएंगे कि रो वन और टू को रिपीट करेंगे। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो है छह सिलाइयां अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे सातवीं सिलाई सेवेंथ रो। तो सेवेंथ रो पे अब हम दूसरा कलर का वूल लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब हम पहला फंदा जो है एज स्टिच उसे सीधा बुनेंगे और अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने तीन फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन। तो ये चार फंदे हमारे सीधे सीधे हो चुके हैं, एक दो तीन चार। तो हमने शुरू में हमारे पास इस तरह से चार फंदे सीधे आएंगे और लास्ट में भी हमारे पास चार फंदे सीधे आएंगे। तो अब हमारा पैटर्न जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए छह फंदों का। तो पहला फंदा हम करेंगे स्लिप और उसके बाद आप देखिए दो ये जो डिजाइन पड़े हैं फूलों की तरह उसके बीच में अब ये डिजाइन पड़ने जा रहा है। तो ये यहाँ पे हम एक फंदा चार फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद पांच फंदों पे डबल लपेट के सीधा बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पांच। अब ये छह फंदे हमने रिपीट करने, देखिए एक फंदा स्लिप और पांच फंदों को डबल लपेट के सीधा सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में हमारे पास शुरू की तरफ चार फंदे सीधे सीधे आ जाएंगे इस तरह से। तो अब लास्ट रो है हमारी एट्थ रो। तो एट्थ रो पे देखिए हम क्या करेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये शुरू में हमारे पास चार फंदे इस तरह से आ जाएंगे, चार फंदे साइड में इस तरह से।
आप जो स्लिप किया उसे स्लिप करेंगे और पांच फंदों को खोलेंगे और पांच के पांच फंदे हम इकट्ठा इस तरह से लेंगे और अब हमने इनको उल्टा बुनना है। और फिर जाली डालेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और तीसरी बार फिर से उल्टा बुनेंगे इकट्ठा इस तरह से। तो रिपीट करेंगे, एक फंदा स्लिप, पांच फंदों को खोल लेंगे और पांचों को साथ में ऐसे बुनेंगे। फिर जो स्लिप किया उसे स्लिप करेंगे और लास्ट के चार फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो ये हमारा जो है अब आठ सिलाइयों का जो पैटर्न है वो हमने पूरा कर लिया है। और देखिए जब हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हमने जैसे रो वन और रो टू बनाई है वैसे ही हम लास्ट में रो बना दो सिलाइयां इस तरह से बनाएंगे दोनों साइड से सीधे सीधे बुनते हुए और फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम बंद कर देंगे। तो ये दो सिलाइयां मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बनता जाएगा। और अभी एक बार बनाया है तो ये उतना ये दो बार बनाने के बाद भी बहुत एक बार बनाने के बाद भी अच्छा लग रहा है और जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा बहुत ही खूबसूरत लगता जाएगा। और कलर आप अपनी कॉम्बिनेशन के ले अपनी पसंद से ले सकते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में। तो रेड और वाइट में बनाना चाहते हैं वैसे भी बना सकते हैं या कोई और कलर्स बनाना चाहते हैं मल्टी शेड्स लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। तो अब हमने आठ रोज़ को रिपीट करते जाना है और जब हम आठ रोज़ को रिपीट करते जाएंगे तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है बनता जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें आप कितने भी रंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ये फटाफट से बनने वाला है क्योंकि पांच जो फंदे हैं वो हमारे इकट्ठा बनते हैं। तो ये इलोंगेट होता है मतलब कि ऊपर को उठता है और ऊपर उठता है तो ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा श्रिंक होने वाला है। तो इसके लिए आप अगर ये डिज़ाइन आपको डालना है किसी प्रोजेक्ट पर तो आपको फंदे जो है एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो जैसे कि आपके किसी प्रोजेक्ट पर अगर आपके 70 स्टिचेस बनते हैं तो आपको 80 या 85 के बीच में लेने होंगे। मान लीजिए आपका जो बेबी सेट है वो 65 स्टिचेस पर बनता है तो वही बेबी सेट आपका इस पैटर्न में 80 स्टिचेस पर बनेगा। तो मैं जो एक से दो साल के बेबी सेट्स होते हैं बेबी स्वेटर्स होती हैं वो अगर बनानी है तो इस पैटर्न के लिए बॉर्डर के ऊपर आपको 80 स्टिचेस अगर रखेंगे तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में बनेगा। तो मैं खुद इसका जो है बेबी सेट बना चुकी हूँ और फिर से बनाने जा रही हूँ और ये जो पैटर्न है ये मेरा फेवरेट पैटर्न है बच्चों के लिए। और इस पैटर्न को आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बच्चों के लिए, इसे जेंट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप उस तरह से लीजिएगा। अगर जेंट्स के लिए बना रहे हैं ग्रे क्रीम इस तरह से आप ब्लैक कॉम्बिनेशन इसका बना सकते हैं। लेडीज़ के लिए कोई भी आप ब्राइट कलर्स ले सकते हैं, बच्चों के लिए तो वैसे भी ये खिला हुआ पैटर्न है। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। इसकी रॉन्ग साइड भी बहुत ही खूबसूरत बनती है। देखिए ये देखिए ये दोनों साइड से बहुत खूबसूरत बनता है। तो रिवर्सिबल अगर आपको बनाना है तो आप रिवर्सिबल भी बना सकते हैं। तो बनाइए फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को, मिस मत कीजिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको बनाना है बच्चों के लिए खासकर अगर बनाना है तो इसे ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही प्यारा ये बनके तैयार होता है। तो पहली बार ही में आपका ये डिज़ाइन बहुत परफेक्ट बनके तैयार होगा। और वीडियो पसंद आती है आपको, पैटर्न पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए नितिन कृष्णास क्रिएटिव लाइब्रेरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।